B-Turn Bulletin. This is me, Simran Hans, and you are watching Google Bollywood. So, बात करते हैं Bollywood की hot and hot updates के बारे में. Bollywood के सबसे hot update की बात करें तो Bollywood के भाईजान यानी सलमान खान की ओर से है. जी हाँ, Bollywood के बजरंगी भाईजान industry को back to back movies देने के लिए ready हैं. फिलहाल वो अपनी upcoming movie भारत के promotion में busy हैं. आपको बता दें कि recently दिशा पटानी का एक statement आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अब शायद सलमान खान के साथ शायद ही नजर आए बिकॉज ऑफ एज गैप. तो ये एज गैप वाली बात हमारे भाईजान को अच्छी नहीं लगी है. उनका भी एक जवाब आया है, आइए देखते हैं उन्होंने इस बारे में क्या जवाब दिया है. जी हाँ, सलमान खान, दिशा पटानी और कैटरीना कैफ की फिल्म भारत इस ईद पर रिलीज होने वाली है. इस फिल्म के अब तक सामने आए सभी गाने लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं. वहीं हाल ही में रिलीज हुआ गाना स्लो मोशन जिसमें दिशा पटानी और सलमान खान की जोड़ी काफी पसंद की जा रही है. लेकिन अब दिशा ने कहा कि अब शायद ही उनकी और सलमान की जोड़ी पर्दे पर दिखे क्योंकि दोनों में काफी एज गैप है. वेल, खबरों की माने तो बॉलीवुड के दबंग को ये बात रास नहीं आई है. दिशा पटानी के इस अजीब बयान के बाद अब सुपरस्टार सलमान खान ने भी रिएक्शन दे दिया है. उन्होंने रिसेंटली दिए गए इंटरव्यू में कहा, मुझे नहीं पता वो किस एज गैप की बात कर रही हैं. मैं आज भी 17 साल की एक्ट्रेस के साथ फिल्म में काम कर रहा हूँ. बता दें कि दिशा पटानी ने अपने इस इंटरव्यू में कहा था, भारत के बाद में आने वाले समय में कभी भी सलमान खान के साथ काम नहीं कर सकती. इस बात को आगे बढ़ाते हुए दिशा ने कहा, फिल्म के डायरेक्टर अली सर ने जब मुझे भारत में मेरे किरदार के बारे में बताया तो मुझे पता लगा कि भारत में मेरा किरदार स्पेशल अपीयरेंस से थोड़ा ज्यादा है. इसके बावजूद मैंने फिल्म करने के लिए हामी भरी. इसके पीछे एक ही वजह थी, वो थे सलमान सर. दिशा ने अपनी अगली बात को क्लियर करते हुए बताया, मैं सच में हमेशा ही सलमान सर के साथ काम करना चाहती थी. भारत मेरे लिए अच्छा मौका था लेकिन मुझे नहीं लगता इसके बाद मुझे कभी भी सलमान सर के साथ काम करने का मौका मिलेगा. हम दोनों के बीच उम्र का बहुत बड़ा फासला है जिसके चलते शायद ये आगे संभव नहीं हो पाएगा. बता दें कि 5 जून को रिलीज होने जा रही भारत मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाल मचाती है ये तो समय आने पर ही पता चलेगा. वेल, मूविंग फॉरवर्ड, सलमान खान इंडस्ट्री को बैक टू बैक मूवीज देने के लिए रेडी हैं. अगर हम बात करें दबंग 3 की तो दबंग 3 में डिंपल कपाड़िया भी नजर आने वाली हैं. जी हाँ, डिंपल कपाड़िया इसमें सलमान खान यानी चुलबुल पांडे की मां का किरदार निभाने वाली है. आपको बता दें कि दबंग के चैप्टर 1 में भी डिंपल कपाड़िया ने उनकी मां का किरदार निभाया था. जी हाँ, डिंपल कपाड़िया एक बार फिर से सलमान खान के साथ काम करने के लिए रेडी हैं. फिल्म दबंग 3 में डिंपल एक लंबे फ्लैशबैक सीक्वेंस में दिखाई देंगी. मूवी में चुलबुल पांडे यानी सलमान खान के अतीत को दिखाया जाएगा. बता दें कि डिंपल कपाड़िया ने दबंग में भी उनकी मां नैनी का किरदार निभाया था लेकिन फिल्म में उनकी मौत हो गई थी. अब वो फिल्म में नजर आने वाली हैं. एक्शन फ्रेंचाइजी दबंग का ये तीसरा पार्ट पहले पार्ट के प्रीक्वल के साथ साथ दूसरे पार्ट का सीक्वल भी होगा. इस फिल्म को प्रभु देवा डायरेक्ट कर रहे हैं. दूसरी रिपोर्ट में कहा गया है कि दबंग 3 के फ्लैशबैक पोर्शंस में सलमान के रॉबिनहुड बनने से पहले की कहानी को दिखाया जाएगा. एक कैरेक्टर है जो एक अहम सीन के दौरान सलमान की मदद करता है. इस कैरेक्टर के लिए शाहरुख खान के नाम की भी चर्चा हो रही है. सलमान खान के हाल ही में फिल्म एक शेड्यूल की शूटिंग मध्य प्रदेश में खत्म की है. फिल्म के नाइट पोर्शन की शूटिंग भी मुंबई में होगी. इसके अलावा आपको बता दें कि ये फिल्म 17 जुलाई 2020 को रिलीज करने की बात की जा रही है. बात बॉलीवुड की हो और हमारे खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार की बात ना हो तो बातें अधूरी सी लगती है. जी हाँ, अक्षय कुमार जहाँ अपनी मूवीज के जरिए फैंस का दिल जीत रहे हैं वहीं वो अपने एंडोर्समेंट्स के करियर में भी काफी आगे हैं. जी हाँ, रीसेंट रिपोर्ट्स की माने तो खान्स को भी पछाड़ते हुए खिलाड़ी कुमार ने रीसेंट एंडोर्समेंट 100 करोड़ की जो है वो अपने नाम कर ली है जिससे खिलाड़ी कुमार सबसे महंगी एंडोर्समेंट पाने वाले एक्टर बन गए हैं. जी हाँ, अक्षय कुमार तेजी से काम करते हैं और पैसे कमाने के मामले में वो आगे भी रहते हैं. शाहरुख खान और अक्षय कुमार का दिमाग पैसे चलाने में काफी तेज चलता है. हाल ही में एक रिपोर्ट के जरिए बात सामने आई है कि अक्षय कुमार 100 करोड़ रुपए की विज्ञापन के साथ ब्रांड एंडोर्समेंट में सबसे आगे हैं. उन्होंने खान्स को पछाड़ दिया है. सलमान, आमिर और शाहरुख तो टॉप 5 में भी अपना स्थान नहीं बना पाए. यहाँ बात सेलिब्रिटीज की हो रही है. रणवीर सिंह 84 करोड़ रुपए के साथ दूसरे स्थान पर है. बाजीराव मस्तानी, पद्मावत और सिम्बा जैसी फिल्मों के बाद रणवीर सिंह की फैन फॉलोइंग और बढ़ गई है. रणवीर की पत्नी दीपिका पादुकोण 75 करोड़
करोड़ के साथ तीसरे नंबर पर हैं, वहीं अमिताभ बच्चन 72 करोड़ रुपए के साथ चौथे नंबर पर हैं। आखिर में आपको बता दें कि बॉलीवुड के किंग खान 56 करोड़ रुपए के साथ छठे नंबर पर हैं। वैसे भी शाहरुख की पिछली फिल्में असफल रही हैं और यहाँ भी फिसल गए हैं। उड़ता पंजाब से बॉलीवुड में डेब्यू करके ऑडियंस का दिल जीतने वाले दिलजीत दोसांझ जल्द ही हमें ऑन स्क्रीन दोबारा नजर आने वाले हैं। जी हाँ, मेकर्स की माने तो यामी गौतम और दिलजीत दोसांझ की जोड़ी पहली बार हमें ऑन स्क्रीन नजर आने वाली है। वैली मूवी कब आएगी इसका फिलहाल पता नहीं चला है, बट आपको बता दें कि मेकर्स ने अनाउंसमेंट की है कि ये मूवी कॉमेडी जॉनर की होगी और यामी गौतम और दिलजीत दोसांझ की जोड़ी हमें देखने को मिलेगी। जी हाँ, सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ के इस साल दो फिल्में रिलीज होनी है। अब वे एक और कॉमेडी फिल्म में यामी गौतम के साथ नजर आएंगे। इस फिल्म से अजीज मिर्जा के बेटे हारून डायरेक्शन की फील्ड में अपना डेब्यू करेंगे। इस अनाम फिल्म को रमेश तरानी प्रोड्यूस करेंगे। उन्होंने इस खबर को कंफर्म करते हुए बताया कि हाँ, दिलजीत और यामी ने फिल्म के लिए हामी भरी है। ये एक फ्रेश जोड़ी है और हम उत्साहित हैं क्योंकि दोनों एक्टर्स की कॉमिक टाइमिंग बेहतरीन है। यह एक सेंसिबल कॉमेडी है जो कि एक कपल के इर्द गिर्द घूमती है। तरानी ने आगे बताया कि फिल्म की कहानी इंटरेस्टिंग है और ये अगस्त में फ्लोर पर जाएगी। ये हेरा फेरी और भूल भलैया के स्क्रीन प्ले राइटर नीरज वोरा की लिखी आखिरी फिल्मों में एक है, जिनका 2017 में निधन हो गया था। उन्होंने विभा सिंह और अर्शद सैयद के साथ स्क्रिप्ट लिखी थी। बात करें दिलजीत दोसांझ की तो अब वे कॉमेडी फिल्म अर्जुन पटियाला में कृति सैनन के साथ नजर आएंगे। इसके अलावा वे अक्षय कुमार और करीना कपूर खान, कियारा आडवाणी के साथ गुड न्यूज में नजर आएंगे। well, बात करें बॉलीवुड के गली बॉय यानी रणवीर सिंह की तो उन्होंने पद्मावत और रामलीला जैसी मूवीज में अपनी दमदार परफॉर्मेंस से ऑडियंस के साथ साथ क्रिटिक साबित दिल जीता। well, अगर हम बात करें उनकी अपकमिंग मूवी 83 की तो वो उसकी तैयारियों में भी बिजी हैं। उन्होंने इसके बारे में एक स्टेटमेंट दी है और बताया है कि कपिल देव का किरदार निभाना उनके लिए कैसे डिफिकल्ट है। जी हाँ, रणवीर सिंह आजकल अपनी आने वाली फिल्म 83 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि पर्दे पर किसी लिविंग लेजेंड का किरदार निभाने में सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए रणवीर अब पूरी तरह से तैयार हैं। इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत के लिए लंदन जाने से पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तैयार हूँ और जब मैंने इसकी शुरुआत की थी उसके मुकाबले आज मैं कम चिंतित हूँ। प्रोसेस बहुत ही इंटेंस रहा है। बॉयज हैव वर्क वेरी हार्ड टू कम टू दिस स्टेज। फाइनली रेडी टू कमेंस प्रिंसिपल शूटिंग ऑफ द फिल्म। टुडे वी आर ऑफ टू यूके फॉर 4 मंथ्स टू कमेंस द प्रिंसिपल शूटिंग ऑफ आवर फिल्म। आई हैव टू से ऑल क्रेडिट टू कबीर से हिज टीम। द फिल्म इज शेप्ड अप एक्सट्रीमली वेल। बट नाउ इट्स गेम टाइम। गेम तो शुरू होती है। यूके जा रहे हैं, शूट शुरू हो रही है। इस फिल्म की कहानी साल 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की जीत पर आधारित है। फिल्म में रणवीर सिंह 1983 में भारतीय टीम के कप्तान रहे कपिल देव का किरदार निभाएंगे। रणवीर सिंह ने कहा, पहली बार किसी किरदार के लिए मैंने इतनी लंबी तैयारी की है। मैं जनवरी से इसकी तैयारी कर रहा हूं और इस हिसाब से अब तक 6 महीने हो गए हैं। यह अपने आप में काफी अनोखी फिल्म है। रणवीर सिंह ने आगे कहा, एक लिविंग लेजेंड के किरदार को निभाने के लिए सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उस किरदार के लिए आपकी तैयारी का दृष्टिकोण काफी गहन होना चाहिए और ऐसा ही हुआ है। रणवीर ने आगे कहा कि कबीर खान के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म की तैयारी के दौरान उन्हें एक एथलीट के बारे में, क्रिकेट के बारे में और दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है। धर्मशाला के अलावा रणवीर सिंह ने दिल्ली में कपिल देव के साथ 10 दिन बिताए और हर एक उस बारीकी को जाना जिसकी मदद से वह पर्दे पर इस किरदार का प्रदर्शन अच्छे से कर पाए। वेल, अब 83 मूवी में रणवीर सिंह कपिल देव का किरदार कैसे निभाते हैं और ऑडियंस को वो कितना
कितना पसंद आता है ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आपको बता दें कि ये फिल्म 10 अप्रैल 2020 को रिलीज होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज मी सिमरन हंस साइनिंग ऑफ, सी यू गाइस इन नेक्स्ट एपिसोड ऑफ बी टाउन बुलेटिन, टिल देन कीप वॉचिंग बूगल बॉलीवुड।